एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है बुधवार और अभी टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम बज रहा है अभी 8, और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुमन अभी थोड़ा सा ठीक है, तो इसलिए मेरा मूड ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली रात को बहुत बुखार था, पर अभी ठीक है। मैं पूरी रात एकदम जो पानी दे के पट्टी देता है ना, वो सब करके करके दी मेडिसिन दे के, वो अभी ठीक है। तो अभी वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, जा रहा है ऑफिस, और मेरा ये ब्रेकफास्ट चाय, पम्पकिन आलू का सब्जी और रोटी, और मेरा वीडियो एडिट, सॉरी एडिट नहीं, अभी पब्लिश कर रही हूँ मैं। तो यही है। और वो अभी गया था मार्केट फीस लाने के लिए। तो आज मैं खाना में क्या बनाऊँ आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो सुमन अभी 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 निकला ऑफिस, तो मेरा बहुत सारा काम है, खाना बनाना है। और हाँ, कल मैंने ना दो शैम्पू लिया था, तो जो कि मुझे बहुत ही अच्छे डील में मिल गया। तो ये रहा वो बाय वन गेट वन, ये है सनसिल्क का, ये पिंक कलर में, और एक है ये येलो कलर में। तो दोनों 400 में, दोनों मतलब 200 करके एक, तो मुझे लगा अच्छा ही डील है, तो मैंने दो ले लिया है। और जो लिया था मैंने ये है सोन पपड़ी प्रभु जी हल्दीराम का, सॉरी हल्दीराम का, ये दो सोन पपड़ी, इसमें भी बाय वन गेट वन था शायद। तो ये और तड़का दाल, ये मिक्स किया हुआ, और कुछ नहीं, सुमन का एक फेस वॉश और मेरा एक फेस वॉश पॉन्ड्स का। तो इस टाइम में ना फूलगोभी बहुत ही अच्छा मिलता है विंटर टाइम में, तो फिश के साथ फूलगोभी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो आउल है ना, मैं उस मेरा बेडरूम में उधर लगाया था, पर मैं ये खोल के इधर लगा दिया है, तो ये अच्छा लग रहा है इधर। तो इधर मैंने फूलगोभी को थोड़ा सा स्टीम कर लिया है। और ये रहा सुबह का जो मैंने सुमन को दिया था पम्पकिन आलू का सब्जी, और ये रहा फिश, और ये रहा अनियन टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए मैं खाना बना लूँ। Burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away, maybe we will not regret it. फिश और फूलगोभी फ्राई हो चुका है, और आज मैं फिश में जो देने वाली हूँ ये है क्लासिक बंगाली फिश झाल। तो ये जरूर देना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं दो तीन दिनों से दे रही हूँ। से ये सब स्वेटर निकाला है, क्योंकि शाम के टाइम में मतलब रात के टाइम में थोड़ा सा ठंडा लगता है, तो ये सब मैं अभी धूप में दे दूंगी। तो बहुत दिनों से मतलब 6-7 महीने से बक्से के अंदर रहता है, तो थोड़ा सा स्मेल करता है, ये भी मैं सब धूप में दे दूंगी। लंच टाइम, और मैं लंच लेके बैठ गई हूँ, ये रहा राइस और ये रहा फिश, तो यही हो जाएगा आज का लंच। तो अभी अभी मैंने सुमन को फोन किया था, तो उसका तबीयत अभी बहुत ठीक है,
अच्छी बात है। और मम्मी नहीं है, मम्मी गए हैं अपनी चेकअप के लिए, तो मैं अकेली हूँ तो लंच कर लूँ। एकदम टेस्टी हुआ है। इस टाइम में ना जो ठंडा का टाइम होता है, इसमें जो ये फूलगोभी मिलता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, कोई स्मेल नहीं रहता है। और इसके साथ फिश करी, जस्ट अमेजिंग। मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए इसके साथ। तो अभी सुमन ऑफिस से आ गया है, अभी टाइम हो रहा है 6। आज जल्दी आ गया है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा खराब होने के कारण वो जल्दी आ गया, और आते वक्त लेकर आया है ये समोसा, मूढ़ी, चॉप, ये सब। उसको अभी तीखा करके, मतलब झाल झल करके मूढ़ी खाना है, तो अभी ये सब लाया है। और उसके साथ साथ लाया है चिकन, तो अभी मैं चिकन भी बनाऊंगी। तो चलिए ये खा लूँ अभी। Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love, cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just... तो सुमन अभी बुखार होने का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है अभी मेरे साथ। उसको खाना है अभी ढेर सारा स्पाइसेस देके चिकन खाना है। तो गोलमरीच होता है ना, गोलमरीच को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो वो गोलमरीच डालकर, सूखी मिर्च डालकर, और ये ग्रीन चिली डालकर, सब डालकर, मतलब इतना तीखा। और इधर मैंने अनियन पेस्ट करके रखी हूँ और अनियन कट करके भी रखी हूँ। तो चलिए इसका रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ेगा अभी। तो चलिए अभी मैं चिकन बना लूँ। Just me and you. अभी मैंने इसमें दे दिया है थोड़ा सा गोलमरीच, तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और उसे इसी तरह से खाना है। तो इसमें लास्ट में जाएगा अभी धनिया पत्ता, तो ये हो जाएगा। तो अभी जो लास्ट में देना है वो ही ये धनिया पत्ता। तो ये हो गया चिकन तैयार। तो अभी मेरा खाना बनाना हो गया है, और आज का जो वीडियो था वो एक हाउसवाइफ का डे टू नाइट जो प्रॉपर रूटीन होता है, जो काम होता है, वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।